नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक गर्गवंशी। इस समय हम पलिया में मौजूद है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूका है और लोगों को चिन्ह भी आवंटित हो गए हैं, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम आपको पहले बता दें, कुल 7 प्रत्याशी हैं जिन्होंने नगर अध्यक्ष पद के लिए, नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। 8 लोगों ने कुल किया था, 1 ने पर्चा वापस किया है। तो हम क्रमवर बता दें, बीजेपी से जो है बीजेपी कमल के फूल सिंबल से केबी गुप्ता को भाजपा ने जो है प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं सपा से महमूद हुसैन खां हैं, बसपा से हेमंत मानक जो है प्रत्याशी बने हैं हाथी चुनाव चिन्ह से। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने अनवार अहमद को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस से। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा भैया, जिनको चुनाव निशान शंख मिला है। उसके अलावा एक और प्रत्याशी हैं आलोक, जिनका चुनाव चिन्ह कंघा है। उसके साथ एक महिला प्रत्याशी और हैं रहतुन निशा, उनको जो है रिक्शा मिला हुआ है। इसके साथ हम बात करेंगे, इस समय हम रंगरेजान प्रथम और द्वितीय दोनों के बॉर्डर पे खड़े हैं। अगर हम देखें तो एक तरफ रंगरेजान प्रथम और एक तरफ द्वितीय है। चुनावी माहौल है, हमने प्रयास किया है जनता के बीच जाएं, लोगों से उनका ओपिनियन जानें, क्या प्रत्याशियों के मन में है, किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं, किस प्रत्याशी से क्या संभावनाएं हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं। पीछे जो प्रत्याशी रहे उन्होंने विकास के कार्यों में इनके जो है जो ये चाहते थे उस पे कितना खरा उतरे हैं, अभी हम आपको बता दें। रंगरेजान प्रथम से हमारे साथ सभासद के तीन प्रत्याशी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। रूपा पत्नी दिलीप कुमार, हालांकि महिलाएं इस समय जो प्रत्याशी हैं वो सब कन्वेंसिंग पे निकली हुई हैं, तो जो पुरुष प्रतिनिधि हैं उनके परिवार के लोग हैं, हम प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। तो दूसरी तरफ कुमकुम भारती जो हैं रंगरेजान प्रथम से ही सभासद की प्रत्याशी हैं, उनके जो दादा जी हैं मुन्ना लाल जी वो मौके पर हैं, उनसे बात करेंगे। तो वहीं रेखा जी हैं, एक रेखा प्रत्याशी हैं पत्नी अशोक कुमार, वो जो है उनके यहाँ बेटे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो दूसरी तरफ हम परिचय करा दें, इससे पहले बता दें कि रूपा दिलीप कुमार, ये दिलीप की हैं, इनको भाजपा ने अपना सिंबल दिया है भाजपा से प्रत्याशी। तो रंगरेजान दो से अगर हम बात करें तो सभासद के प्रत्याशी के तौर पर कुल 4 लोग हैं, जिसमें सुधा गुप्ता पत्नी मनोज कुमार हैं, जिनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है लेकिन वो मौके पर नहीं है यहाँ। इंद्रजीत कौर हैं, पूर्व में इनके पति मनोज कुमार सभासद रह चुके हैं लेकिन उनका देहांत हो चुका है, और जिसकी जगह पे जो है पत्नी ने इस बार जो है इंद्रजीत कौर ने नामांकन किया है और प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं। और नीलम राठौर पत्नी सीताराम राठौर, ये राठौर साहब हमारे खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। रंगरेजान दो से हमारे पास कुल 2 लोग मौजूद हैं यहाँ पे प्रत्याशियों के तौर पर। एक है रहमती पत्नी लतीफ, उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, बब्बू भाई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम चुनावी मुद्दे पर। हमने आपको बताया कि कुल कितने प्रत्याशी यहाँ अध्यक्ष पद के लिए हैं और सभासद से इस दोनों वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी हैं और मौके पर कितने लोग हैं। हमारा यहाँ ये जानने का एक औचित्य है कि प्रत्याशी जो सभासद के हैं, इनके इससे पहले भी सभासद के प्रत्याशी खड़े रह चुके हैं, लोगों ने जो है वोट लिए, और क्या वो खड़े उतरे हैं, अपनी जनता की उम्मीदों पर अपने मोहल्ले का विकास कराया है नहीं कराया। पहले हम मोहल्ले की बात करेंगे। हमारे साथ पहले हम दिलीप जी से बात करते हैं। बीजेपी से सिंबल मिला है आपकी पत्नी को, तो क्या ऐसा है कि जो पीछे आपके जो सभासद रहे उन्होंने विकास कराया है या नहीं कराया, पहले तो उस पर प्रकाश डालिए। नहीं भाई, कोई भी विकास नहीं हुआ यहाँ। कोई विकास नहीं हुआ। सब नालियाँ कच्चे सब भरे हुए हैं, सब गंदगी फैली हुई। कल भी आपको दिखा था, आज भी बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके चुनावी वादे क्या हैं, आप क्या? मुझे तो बाल्मीकि समाज के लोगों ने मुझे खड़ा किया है और उन्होंने कहा था सिंबल दिखा के रहेंगे और आपको हम जिताएंगे। नहीं, केवल ये जो मोहल्ला रंगरेजान प्रथम है, इसमें हर तरीके के प्रत्याशी हैं, मतलब हर तरीके के वोटर हैं, हर समुदाय विशेष से भी हैं और बिरादरियों से भी हैं। आप कह रहे हैं केवल जो है
वाल्मीकि लोगों ने हमको खड़ा किया, वाल्मीकि समाज के लोगों ने खड़ा किया, तो क्या केवल उन्हीं के वोट आपको मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, सभी वोट मिलेंगे, सभी मिलेंगे। क्या विकास के मुद्दे अब अगर आप जीत के आते हैं, आपकी पत्नी जीत के आती हैं, तो आप मोहल्ले के लिए क्या करेंगे? जैसे हम देख रहे हैं पीछे नालियां खचाखच भरी हुई हैं, कहीं पे जो है सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप पे जनता क्यों विश्वास करे? क्या बीजेपी के सिंबल से खड़े इसलिए आपको वोट दे? कोशिश है, कोशिश जारी है, और हम आगे सरकार से कहेंगे हमें जल्दी हमारे नहीं। आप क्या विकास का क्या मुद्दा बनाया? आपने किन चीजों को चिन्हित किया है? हमारे मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं? लोगों ने आपको बताया होगा कि आप जीत के आइएगा तो हमारे ये काम, इस जगह पे नाली नहीं, इस जगह पे खड़ंजे नहीं, इस तरीके के कई सारे मुद्दे। क्या क्या चुनाव का आप रोड मैप क्या लेके चल रहे हैं? किन चीजों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सभी यही रोड है, रोड नहीं बनने करने की, नालियां टूटी पड़ी हैं और बहुत ही यहाँ पे समस्या है। उसके लिए हम वादा करते हैं, पूरा सहयोग देंगे, करवाएंगे अपने मिलके। चलिए, तो वादा कर रहे हैं बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के पति दिलीप जी से बात हो रही थी। अब हम आ जाते हैं मुन्ना लाल जी के पास। हमने सुना आप सभासद भी रह चुके हैं, आपको इस मोहल्ले की स्थिति भी मालूम है। क्या लगता है आपके बाद जो सभासद बने उन्होंने क्या विकास किया है? देखिए, 2001 से 2006 तक मेरी पत्नी लीना देवी वाइफ ऑफ मुन्ना लाल सभासद रही। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने नाला का निर्माण किया, फिर जो आज पाल बस्ती है गढ़िया बस्ती में कम से कम 5-5 फुट कीचड़ नाली और वो रोड बनवाई। टोटल यहाँ की जितनी भी रोडें हैं मेरे कार्यकाल में बनी 2006 के बाद बैकवर्ड हुई सीट, उसके बाद आज तक कभी कोई विकास नहीं हुआ। अब हम और जो जो कार्य मैंने किए थे वो आज भी उसे आप भी सभासद हैं, आप सभासद रह चुके हैं, आपको सारी चीजें मालूम है और आपको ये भी मालूम था बैकवर्ड सीट हुई, आगे आपको लड़ना है। आपके मोहल्ले में नालियां टूटी हैं, क्या आपने आवाज उठाई इसके लिए कि इन नालियों को सही किया जाए, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल सभासद ही जिम्मेदार है? ऐसा है ना, मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने कम से कम 10 लेटर माननीय अशासी अधिकारी जी को, SDM को और जिला अधिकारी महोदय को, यहाँ तक कि शासन में भी मैंने लिखा, और जो भी यहाँ के मुद्दे थे, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, उसकी सैलरी का मामला हो, और चाहे लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। कहने का मतलब नहीं, है बढ़ोतरी हुई मान्यवर, बढ़ोतरी में संविदा कर्मचारी 7 का वेतन लगा, ठेके कर्मचारी 7,500 रुपए सैलरी थी, आज 11,800 सैलरी उठा रहे हैं। ये मेरी ही देन है। नहीं, मैं मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि नालियाँ भरी हुई बजबजा रही हैं, कहीं कहीं कूड़े के भी ढेर लगे हैं, सड़कों की भी बुरी स्थिति है। इसके लिए क्या आपने जो जिम्मेदार हैं सभासद से, आप सभासद पहले भी रह चुके हैं, बीच में दूसरा रहा, तो आपने उच्चाधिकारियों से या अध्यक्ष से बात नहीं की, अधिशासी अधिकारी से इन सारी समस्याओं के बारे में नहीं बताया? ये ऐसा है ना, मैंने सब समस्याएं अवगत कराता रहा, सुनी नहीं गई, कहीं कहीं सुनी भी नहीं गई, और कहीं कहीं उन्होंने भेजा भी कर्मचारियों को ला के, और मैंने सफाई भी करवाई और विधिवत कार्य। अब इस बार जो है प्रत्याशी के तौर पर आपकी पोती कुमकुम भारती खड़ी हुई है, क्या मुद्दे हैं आपके? इस बार क्या रोड मैप लेके चले हैं? किन चीजों पर चुनाव लड़ेंगे आप? किन समस्याओं को दूर करेंगे मोहल्ले से? देखिए, मोहल्ले की पहली प्राथमिकता जो है हमारी, चुनाव लड़िए, पहली प्राथमिकता यहाँ की जितनी भी रोड है, पहली प्राथमिकता हमारी रोड की है, दूसरी प्राथमिकता हमारी नालक जो कि टोटल पानी भर जाता है, हमारी बस्ती वाल्मीकि बस्ती, अन्य भी बस्ती, ऐसा नहीं कि खाली वाल्मीकि बस्ती में पानी भरता हो टोटल, और जो अधूरा नाला रह गया था वो उसको पूर्ण कराना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। चलिए, और भी लोग हैं, समय कम है, हम और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे। हमारे साथ इसी मोहल्ले के इधर आ जाइए, अशोक जी हैं, इनकी माता जी प्रत्याशी के तौर पर हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या आपकी प्रथम बार खड़ी हैं? सेकेंड बार
दूसरी बार खड़ी हैं, और क्या आप जैसे और लोग बता रहे हैं सड़क मुद्दा है, नालियां मुद्दा है, विकास करेंगे मोहल्ले का, आपकी माताजी ने, पहली चीज़ तो बड़ी समस्या है कि प्रत्याशी, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि केवल प्रत्याशियों के परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं पति या प्रतिनिधि के तौर पर, महिलाएं इस समय कैंपेनिंग में गई हैं तो हमारी मजबूरी है हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके पास, लोग आए होंगे, आपको भी किसी ने कहा होगा, विश्वास जताया होगा कि आप जीत के आएंगे तो ये काम करवा दीजिएगा, क्या ऐसे प्रमुख 5-4 मुद्दे हैं, 2 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जब जीत के आएंगे तो उसका सुधार करेंगे? जी हाँ, मेरे पास 4 मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ इतना पानी भर जाता है, रोड की समस्याएं हैं, नाली खचाखच भरी रहती हैं, हमारे यहाँ मच्छर मारने की जो दवा आती है तो दवा कम पानी ज़्यादा होता है, तो मच्छर वो हम लोगों को परेशान करते हैं, किसी को डेंगू होता है, किसी को मलेरिया। चलिए देखिए, सफाई ना होने की वजह से, नालियों की साफ सफाई ना होने की वजह से डेंगू जैसी बीमारियां पनपती हैं। अब हम आ जाएंगे प्रथम मोहल्ला रंगरेजान, प्रथम से हमने बात कर ली है, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से बात कर ली है, हम दूसरे मोहल्ले की ओर बढ़ते हैं, रंगरेजान 2 की तरफ बढ़ते हैं। इधर आ जाइए भाईजान, ये जो है इनकी माता जी प्रत्याशी हैं रंगरेजान 2 से, रहमती जी, तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बू खान है, मैं इससे पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ, और समस्याएं इस बात की कर रहे हैं, इस जो रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, हल्की सी बारिश होने पे इतना पानी भर जाता है गलियों के अंदर कि आगे नाला ब्लॉक है। अच्छा, मैंने लगातार देखा, जितने लोगों से बात की लगभग लोगों का यही कहना है कि नालियों की समस्या है, निकास की समस्या है, तो इसकी तह तक जाते हैं, क्या वजह है, क्यों नालियों का पानी, आज से पहले भी नालियां हुआ करती थी, चलती थी, इस समय क्या समस्याएं ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से नालियों का पानी वहीं रुका रहता है? देखिए, जो हमारे मौके पे जो पहले अभी हमसे पहले जो सभासद थे मनोज भाई हमारे गुप्ता जी, उन्होंने जो इंडियन अकेडमी वाला रोड जो दुधवा वाला बनवाया है रोड, वो कम से कम इस रोड से कम से कम 2 फीट ऊपर बनवा दिया, जिसके कारण ये पानी नहीं जा रहा है। उसके बाद में जो रोड के ऊपर जो बना हुआ है क्रॉस, उसमें ऐसे पत्थर डाले गए हैं कि जो कोई लायक नहीं है, जिसकी एक बार उठा के सफाई कर दी जाती है, वो पत्थर वहीं पे भस्म हो जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर सिर्फ अत्याचार का काम हुआ है, सिर्फ अपनी पेट भरने का, अपनी जेब भरने का। प्रत्याशी से भी बात करते हैं, उसके बाद हम अध्यक्ष पद पे आएंगे, अध्यक्ष पद का क्या माहौल है। हमारे साथ सीताराम राठौर जी हैं, इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं, इनसे बात करेंगे। सारे प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, आपका क्या रोड मैप है, आप किस तरीके से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे मुद्दे साफ सुथरे हैं, इससे पहले भी मैं जब सभासद रहा तो मैंने प्रयास किया, सारा सिस्टम पहले ऑनलाइन था, मैं 12 से 17 तक, हाँ, जितना काम 5 साल पेपर वर्क किया मैंने, चुनाव 16 में जब 17 में हुआ है, चुनाव हारने के बाद सारा काम ऑनलाइन हो गया, ठीक है, सारे लोगों का आवास थे उसमें, राशन कार्ड थे, वो तो मेरे द्वारा ही बना काम किया हुआ था, वो जनता तक पहुंचा। उसके बाद 17 में चुनाव लड़ा, कमल के फूल से सिंपल थे, मैं चुनाव हार गए, और इस बार भी मेरा प्रयास है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे मोहल्ले में पानी के निकास की है, ठीक है, सभी प्रत्याशियों की यही एक ही मांग है, पानी के निकास, क्या कारण है, जैसे मैंने भैया से भी पूछा, क्या कारण है निकास की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जो पलिया में ठेकेदारी प्रथा है, ठीक है, अपने चहेतों को देने के लिए उसका एक रोड मैप जो शेड्यूल होता है उसका, कि लेबल कहाँ से लेना है, कहाँ गिराना है, जब मालूम है ढाल जा रही उधर को आप बाहर ले जाएंगे, मतलब फेल इंजीनियरिंग हो रही है, फेल इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है, सबसे बड़ा ये सिस्टम है, इसका क्या कारण है, वो जानबूझ के करते हैं या उनको पता ही नहीं है, कुछ अपने लोगों को लगाकर इंजीनियर साहब अपने एसी वाले दफ्तर में बैठते हैं और उसकी जगह पे अपने काम करने वालों को भेज देते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, सच्चाई ये बता रहे हैं, सच्चाई। देखिए, ये दोनों मोहल्लों से जब हमने बात की तो लगभग दोनों मोहल्लों की समस्याएं एक है, जुड़ा हुआ मोहल्ला है, दोनों मोहल्लों की समस्याएं ये हैं, एक ही हैं। हम आपको यहाँ दिखाएंगे, देखिए नाली पाइप टूटा हुआ है, जल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार पानी बह रहा है और इसी से गंदा पानी भी सप्लाई होता है, इसी से गंदा सप्लाई, पानी भी सप्लाई होता है। आप सामने देख लीजिए, मोहल्लों के बीच का मामला है,
हम मोहल्लों की बात नहीं करेंगे, सारी जगह पे देखिए क्या इससे गंदगी से बीमारियां नहीं पैदा होंगी, क्या इससे लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। हम फिर से आएंगे, समय कम है, काफी लोग हमारे पास आ गए। अब हम आते हैं अध्यक्ष पद की बात को, अभी हम सभासद प्रत्याशियों से बात कर रहे थे, उनके मुद्दों को जान रहे थे, अब हम आएंगे, हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, जिससे हम बात कर सकें। कुल 7 प्रत्याशी हैं और 7 प्रत्याशियों में जहां तक अभी हम लोगों की लगातार बात हुई है, त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, हालांकि हम ये पुख्ता नहीं कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला, हम जनता से जानेंगे इस बार किसका जो है पलड़ा भारी लग रहा है, कौन किस पर जीत हासिल करेगा, क्या 20 साल से रहने वाले अध्यक्ष साहब फिर से अपने पद को दोहराएंगे या कुछ रिप्लेसमेंट होगा। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम पहले लोगों से जान लें, उसके बाद फिर आएंगे। क्या लगता है इस बार अध्यक्ष पद पे किसके सर चेहरा सजेगा? मुझे कोशिला के केवी गुप्ता है। केवी गुप्ता आएंगे, आप बताएं क्या लग रहा है आपको? केवी गुप्ता नहीं आएंगे। अच्छा, सारे केवी गुप्ता, आप बताओ क्या लगता है आपको? ऐसा है कि त्रिकोणिया का जो हिसाब किताब बचा है, हमारे भैया आलोक जो है लड़ रहे हैं, आज तक ये इतिहास है पलिया का कि जब तक मतलब जब बरामद जब तक हमारे खड़े होते हैं तब तक महमूद हुसैन को कोई हरा नहीं पाता है। इसमें से एक बैठ जाएगा तो महमूद चेयरमैन को हरा सकता है और केबी आ सकते हैं या मतलब जो आलोक भी आ सकते हैं। वैसे आप कहने के लिए कुछ भी कहे, कोई कहे कि वो जीत रहे ये तो कहना नामुमकिन है, क्योंकि पलिया की ये विकास का मामला है। देखिए, इस भाई ने जो है नब्ज टटोल के बता दी है क्या कारण है, किस वजह से महमूद चेयरमैन जिनको लेकर लोगों का कहना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी है। जैसे लोगों ने बताया कि पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, जो इंजीनियर आते हैं जो सड़कें बनाते हैं वो इस तरीके से ढाल का निर्माण करते हैं कि पानी जाना इधर है, उसकी जगह वापस लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसका? हिंदू मुस्लिम को देख के लोग वोट करते हैं, क्या कारण है? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ नहीं चलता है, खैर है, हमारे यहाँ ये चलता है कि जो हमारे चेयरमैन इसमें महमूद हुसैन हैं वो कभी ऑफिस में नहीं बैठते हैं। इंजीनियर की मर्जी है, जो हमारे नगर पालिका की मर्जी है, वो लाल करें चाहे काला करें चाहे सफ़ेद करें, चेयरमैन साहब हमारे नहीं देखते हैं। दूसरी बात, हम लोगों मेंबरी लड़ रहे हैं, उसका कारण है कि हम लोग अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जो मेंबर यहाँ से जीत के गया है वो सिर्फ अपनी जेब भरा उसमें, क्योंकि उसको इतना पैसा दे दिया गया कि वो दोबारा यहाँ पर कभी उसने अपने आप को देखा ही नहीं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, एक टूक हम पूछेंगे, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या लगता है इस बार किसके सर चेहरा सज सकता है? चेहरे की बात करें तो जिस हिसाब से त्रिकोणिया की आप लोग बात कर रहे हैं हिसाब से तो महमूद हुसैन का चेहरा बनना पक्का है। चलिए देखिए, महमूद की बात कर रहे हैं कि अगर जो है आलोक मिश्रा और केवी गुप्ता के बीच लड़ाई होती है तो उसका सीधा फायदा महमूद को मिलेगा, क्या इससे सहमत हैं आप? इस जो भैया कह रहे हैं इससे सहमत हैं? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं, सही है कि दोनों प्रत्याशी जब केबी गुप्ता आलोक मिश्रा खड़े हो जाते हैं तो उसका फायदा जो है महमूद हुसैन खां को मिलता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है ना, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो सच्चाई है उसमें फायदा तो उनको मिलता है। कुछ हमारे हिंदू और डिवाइड होते हैं, सीधे उनको फायदा हो जाता है, तो कुछ मुस्लिम वोट भी डिवाइड होते होंगे। नहीं, मुस्लिम होता है 2-3%, ज्यादा नहीं होता, मतलब केवल 2%, और हिंदू कितने परसेंट हो जाता है? हिंदू कम से कम 15-20% होता है। अच्छा, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग व्यक्ति विशेष पे चला जाता है जिसका फायदा उनको चेयरमैन को मिल जाता है। भाई साहब कुछ और कह रहे हैं, हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाएं जिससे आप लोगों से भी बात कर सके। आ जाइए दिलीप जी, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। तो क्या क्या लग रहा है आपको जो ये भाई साहब कह रहे हैं? दोनों भाई इधर देख के बात करिए, क्या ये जो कह रहे हैं कि जब आलोक मिश्रा और केबी गुप्ता खड़े होते हैं उसका सीधा फायदा महमूद चेयरमैन को मिल जाता है, हालांकि पीछे देखने को भी ऐसा मिला है, क्या इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। आज महमूद चेयरमैन के वहाँ कितने सालों से सीट रही है चेयरमैनी की, अपने वहाँ का गड्ढा नहीं संभाल पाए हैं तो हमारे पलिया के गड्ढे को क्या संभालेंगे वो, फिर कैसे जीत जाते हैं बार बार? यही तो एकजुट होने की उनकी परंपरा है। कौन एकजुट होता है? एकजुट मुस्लिम ही एकजुट हो जाता है, तो हिंदू क्यों नहीं? हिंदू होता है, हिंदू तो बटता है, हिंदू में यही तो खराबी है कि हिंदुस्तान में रह के भी साला हिंदू को नहीं समझता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए इस बार केवी गुप्ता से बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार जो है सीट किसकी निकल रही है? इस बार सिर्फ केवी गुप्ता की निकलेगी। केवी गुप्ता ने जो विकास किया वो 20 सालों में महमूद हुसैन ने विकास किया नहीं है, सिर्फ
उनके राज में क्या होता है, बाबू राजा बनते हैं, लूटपाट का दिन करता है, महमूद के शासन में कुछ नहीं होता उसके अलावा। देखिए बार बार लोग यहाँ कह रहे हैं कि महमूद ने काम नहीं किया, लेकिन कई दशकों तक वो लगातार राज करते आए हैं। अभी लोगों से बात की, अभी कई लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके से रहा तो दो लोग लड़ेंगे जिसका फायदा फिर से महमूद को मिल जाएगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये अब सच्चाई है, सच्चाई कहीं ना कहीं इसको देख सच्चाई है। वो अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो ठीक है, तो फिर वो आप ये मान के चलिएगा फिर महमूद हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम की जगह केवल और केवल जो है विकास का मुद्दा होना चाहिए, ना हिंदू होना चाहिए ना मुस्लिम होना चाहिए? देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, जैसे हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बोला है कि हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ नहीं है, हमारे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम की नहीं भाषा बोलते हैं, हम लोग विकास की भाषा बोलते हैं। हमारे जो आज मतलब हमारे जो यहाँ पे मनोज गुप्ता जी जो हमारे दो साल का कार्यकाल हो गया है, दो साल के कार्यकाल में मैं सुबह 6 बजे मैंने बोला ना कि मैं 6 बजे खड़े होके मैंने सफाई देखी है, सफाई कर्मचारियों के साथ में रहा हूँ, ऐसी जो थी कि जिस समय के भी भाई साहब थे उस समय भी कुछ नालियाँ ऐसी थी जो ब्लॉक हुई, जिसको मैंने अपना पैसा लगा के मैंने खुलवाया अपने सफाई कर्मचारियों से, उसके बावजूद भी 25% मैंने अभी तक अपने हाथ से तक मैंने नाली साफ की है। मेरे बाग के अंदर आप चलिए, मैं दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ नाली अपने हाथों से साफ की है। तो बात चेयरमैन की नहीं होती है, चलिए चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। आप लगातार भैया से बात हो रही है और सटीक बात इन्होंने कही है कि अगर एक बात मैं और आपको, आप इधर आ जाइए एक मिनट, इधर आ जाइए, खड़े होकर बात कीजिए, और आप सब लोगों से कहूंगा एक साइड में आ जाए जिससे बात हो पाए। बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ नगर पालिका के की बात। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो बजट की है, क्योंकि बजट नगर पालिका में अगर कायदे का आ जाए तो ये समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। और जब ही आएगा, जब कोई भाजपा संबल से जीत के आएगा, तभी वो ये समझ लीजिए समस्याएं दूर होंगी। नहीं, ये तो एक आरोप लगा, ये तो आप आरोप नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हैं, ये आप आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, अगर यहाँ पे चेयरमैन बीजेपी का नहीं होगा तो क्या यहाँ बजट नहीं आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार में सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। ये बात पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है, बजट आया, सच्चाई बजट जो आता है वो वापस क्यों गया? बजट 64 लाख आता है, कभी 66 लाख आता है, कभी 72 लाख आता है। बजट का स्कोर 1,39,00,000 से स्टार्टिंग हुआ था, 2 करोड़ आता था। आज समस्या ये है कि सैलरी निकल जाती है, उसके बाद कोई भी नाली अगर थोड़ी सी भी टूट जाती है उसके बावजूद नहीं बन सकती, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूँ एक तरफ आप कह रहे हैं बीजेपी अगर आती है तो बजट की समस्या दूर होगी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी है, तो इसके साथ बलिया के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं सपा का अध्यक्ष है इसलिए भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पजामा पहन के भैया ये हालांकि किसी और वार्ड के हैं, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसको इस बार अध्यक्ष पद का सेहरा मिल रहा है? अभी तक मैं कोई ऐसा घोषणा नहीं कर रहा हूं। क्या लगता है किसके बीच में टक्कर है, इतना तो बता ही सकते हैं? त्रिकोणीय लड़ाई है, किसके किसके बीच अभी बहुत समय बाकी है, वही है कुछ नहीं, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी त्रिकोणीय, आप बता दो किसके किसके बीच लड़ाई है, अरे कुछ नहीं, तीसरा है कौन? चलिए एक नेता जी और छुप रहे हैं, हम इनको भी लाते हैं, ये छुपे हैं, ये बताइए लड़ाई किसके बीच है, किसको सेहरा मिल रहा है? लड़ाई त्रिकोणी किसके किसके बीच? पुरानी लड़ाई, केबी गुप्ता, आलोक मिश्रा, मैं मुझे किसी में फैसला जनता करेगी। देखिए कांग्रेस इसीलिए हार जाती है जब कांग्रेस के पदाधिकारी ही अपनी पार्टी को फील्ड से बाहर कर देते हैं, त्रिकोणी मुकाबले में अपने प्रत्याशी को ही बाहर कर दिया है। मैंने कहा ना कि आपसे पहले बहुत पहले बताया। देखिए ये सच्चे नेता की पहचान है, पार्टी में चाहे हो ये पदाधिकारी भी, क्या पद है आपका कांग्रेस? नगर अध्यक्ष, कांग्रेस नगर अध्यक्ष है, और सही बात बता रहे हैं, वो कहने सर सही बात है कि क्या कारण है कांग्रेस को कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? तो हमारा जात बात का भी पंडित जी खड़े थे, कहाँ चले गए? जब जातिवादी देश हमारा हो गया है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया भारत से, उसका कोर वोटर दलित और मुस्लिम था,
नहीं तो कांग्रेस का कोई कोई वोटर क्यों नहीं है? यूपी में जात बात फैल गई, नहीं सपा ने अपना वोटर बना लिया, बसपा ने बना लिया, बसपा ने बसपा भी गायब होती दिख रही है, सपा ने भी बना लिया, बसपा ने भी बना लिया, कांग्रेस क्यों? आने वाला समय कांग्रेस का ही है, 70 साल राज करने वाली पार्टी, अभी 50 सालों तक आने वाला कांग्रेस कह रहा भाई साहब, अभी 50 सालों कांग्रेस नहीं है, सिर्फ बीजेपी का ही राज रहेगा। चलिए ये देखने वाली बात है, हम लगातार बात कर रहे हैं, बात आज आ रही है कि मतलब सपा की सरकार उत्पन्न होने के लिए कांग्रेस की हो, सपा की सरकार में सारे आप आज के दौर की बात आज की मैं दौर की बात करता हूँ, सरकार की बात करिए चाहे यहाँ से चाहे ऊपर तक की बात करिए, आज जो यहाँ समस्याएं हमारे सरकार होते हुए भी मतलब हमारे यहाँ के जो आज गाँव क्षेत्र के सिर्फ किसान हमारे डटे हैं गन्ने के ऊपर, वो भी आज पैदा है, किसान को पैसा नहीं। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि पूरे नगर पालिका क्षेत्र में केवल एक और एक सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, क्या जो मध्यम श्रेणी के या निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं? अगर आप चाहते हैं तो एक बार देख के आए, प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय है मोहल्ला चांदनी चौराहे के आगे, प्राथमिक विद्यालय है उसकी स्थिति आप देख लीजिए, उसको भी एक ग्राम सभा संचालित करती है, तो क्या लोगों को जो हमारी जनता है उसको ये नहीं चाहिए कि नगर पालिका से ये मांग करें? क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता है? शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी किसी के पीछे खड़े होकर ही वोट मांगेंगे। नगर पालिका ने क्या किया है आज तक जो है शिक्षा को लेकर? शिक्षा दो ही है, स्वास्थ्य और शिक्षा, शिक्षा के ऊपर भी और स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी नहीं जाते अभी तक, ऐसा कोई प्लान ही नहीं तैयार किया है। क्या क्या इसकी जनता मांग नहीं करती या कोई पूरा ही नहीं करना चाहता? आप लोग जो कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य की बात करूं, अगर 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 अभी ईश्वर न करे किसी को हार्ट अटैक हो जाए या सर्जरी की जरूरत पड़े तो आपको लखीमपुर भागना पड़ेगा, जाते जाते 100 किलोमीटर की दूरी तय करते करते मर जाएगा? ये तमाम मुद्दे हैं, अगर हम बात करते रहे तो बहुत लंबा खींचेगा। अब हम कोशिश करेंगे, मैं एक बार चाहूंगा कि आप इधर आ जाएं, हम ये सब भाइयों को दिखाते हैं, हम लगातार बात कर रहे थे, और भी अगर कोई भाई अपना विचार रखना चाहता है। हमारा एक ही सवाल है, इस बार टक्कर किसके किसके बीच है, कौन इस बार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी है उसमें से जीत का सेहरा किसके सर सजेगा? भैया बताएं क्या लग रहा है, बताएं जल्दी, शर्माने की बात नहीं है, आप बताएं, आपसे तो बात कर चुके हैं भाई, हमारा ये खड़ा है इससे बात करते, क्या लगता है? जो जुझारू हूँ, जो लगता है जनता को कि ये होना चाहिए उसी को ही अपना जनता मत... आप भी हो, आपको क्या लगता है? हमको है जो हमें लग रहा है कि हमारे काम कर सकता है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किस एक व्यक्ति विशेष के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसके बीच टक्कर हो सकती है? केवी गुप्ता और महमूद, आलोक मिश्रा भैया है पर देखा जैसा होगा जनता का, बता रहे हैं कि अभी लोगों से बात हो रही थी कि दोनों लोग लड़ेंगे और आखिरी में महमूद भी जीतेंगे। नहीं, ये तो कंफर्म है कि अगर यही चीज है कि अपना देखिए विकास ही देखिए, अगर पंजाबवासी देखेंगे तो हमेशा विकास के लिए ही रहेगा। अब आदमी ये देखता है कि केवी आलोक मिश्रा आदमी को बढ़िया से देखे कि कौन विकास कर रहा है, हमेशा रखे तो वही विकास के लिए बनता है। भैया एक आखिरी सवाल है कि अगर हम विकास के मुद्दे की बात करें और बीते 5 साल की बात करें तो महमूद साहब को कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो जब में से कितने देना चाहेंगे? हम तो एक एक करके बात करेंगे, क्या लगता है? डिप्लोमेटिक जवाब ना दीजिए, सीधे अगर आप जवाब देना चाहते हैं हाँ या ना। माता जी महमूद भाई कोई गली ऊंचा सब नरक बना के माता जी आई, हम चाहते थे कि आए, इधर आ जाइए, तब केवी ने ये सारी सड़कें गली गली में और सब चौराहे चौराहे पर बनवाई है, टंकी में हर हमेशा लगवाते थे, टंकी में बिजली उजली लगती थी, उजाला रहता था, इस समय कुछ नहीं है, अंधेरा रहता है इसके अंदर। तो पिछली बार कहानी है केवी गुप्ता पिछली बार क्यों नहीं जीते? अब ये पता नहीं क्यों नहीं जीते, जितना तो चाहिए था उनको, कैसे नहीं जीते। अच्छा ये बताओ महमूद, अभी हम बात कर रहे थे महमूद साहब को 10 में से नंबर देना चाहे तो कितने नंबर दोगे? नंबर उनको तो बहुत कम ही मिलेंगे। कम मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 50% मिलेंगे उनको, मतलब 5 मिलेंगे। आप बताओ भैया महमूद चेयरमैन
जो विकास कार्य इन्होंने बीते 5 साल में किया है उसमें क्या नंबर देंगे, जल्दी बताइए। हम तो कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं देंगे। आप बताओ भैया, इसमें डिप्लोमेटिक बात नहीं, मैं केवल और केवल विकास की बात कर रहा हूँ। विकास की बात मैं करूँ चाहे केवी जी हो चाहे मेरे महमूद जी हो, मैं दोनों को जीरो देता हूँ, दोनों को जीरो। क्योंकि मैं इसलिए देना चाहता हूँ, मेरी नालियाँ भरी पड़ी, मैं डूब रहा हूँ, मच्छर से मर रहा हूँ। सही बात है। आप बताओ, आप केवी गुप्ता को 100% मार्क्स देता हूँ और महमूद हुसैन खां को 0% देता हूँ। 35 सालों में चलिए और हम बात करते हैं, क्या क्या नंबर देना चाहेंगे महमूद साहब। चलिए हम लगातार बात कर रहे थे लोगों से, जाना हमने कि क्या राय है उनकी त्रिकोणी मुकाबले की संभावना। भैया एक मिनट बात कर लीजिए, त्रिकोणी मुकाबले की संभावना है। हम लगातार एक युवा और साथी आया, हम कोशिश करेंगे इससे बात करने की। भाई ये बताओ क्या लग रहा है, हम जैसे सवाल कर रहे थे कई विकास के मुद्दों पर सवाल किया, इस बार क्या लगता है पलिया की जनता किस पर विश्वास जता रही है? क्या कारण है, समीकरण बताएं। देखिए बीजेपी के केवी गुप्ता हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिसको लोग जो है मजबूत प्रत्याशी बता रहे हैं, एक तरफ महमूद हुसैन खां है, लगातार कई एक भाई ने भी बताया कि लगातार इसी तरीके से दोनों लोगों के बीच लड़ाई होती है और महमूद जीत जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो इस बार नहीं लग रहा, वैसे कई बार ऐसा होता आ रहा है कि दो लोगों में। अगर महमूद चेयरमैन साहब हैं, आपके पीछे चेयरमैन रह चुके हैं, अगर इनके विकास की बात करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 4। चलिए 4 नंबर इसी के साथ समाप्त करते हैं और हम आपको बता दें कि इसी समय 5 बजे हम लगातार इस कवरेज को, चुनावी चर्चा को जारी रखेंगे। अगली चर्चा हमारी कल 5 बजे है और उसको हम रखेंगे रंगरेजान तृतीय में, रंगरेजान फर्स्ट और सेकंड को हमने एक संयुक्त रूप से आज किया है और इसी तरीके की चर्चा हम रंगरेजान 3 में भी जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक कर्कवंशी।